बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग लैब फोर को देखेंगे, लैब फोर का मैनुअल देखेंगे। ये लैब फोर की वीडियो नंबर 1 है, ठीक है। इसमें दो तीन वीडियोस हो सकती हैं। सबसे पहले हम लोग लैब मैनुअल फोर को रिव्यू कर लेते हैं एक दफ़ा, ठीक है। लैब मैनुअल फोर को ओपन करते हैं। यह लैब मैनुअल फोर, जावा फंडामेंटल्स पार्ट फोर। इसका टास्क 1 क्या कहता है? टास्क 1 में लिखा हुआ है राइटिंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस फॉर जावा फ्रॉम जावा कोड, ठीक है। ये कुछ एक्सप्रेशंस लिखी हुई हैं जावा में। राइट द फॉलोइंग जावा एक्सप्रेशंस इन मैथमेटिकल नोटेशंस ऑन पेपर, ठीक है। कि जावा एक्सप्रेशंस ये लिखी हुई हैं नीचे, आपने इनको कन्वर्ट करना है मैथमेटिकल नोटेशन में, ठीक है। जैसे हम लोग मैथ्स में लिखते हैं ना, यहाँ पे मैथ डॉट स्क्वेयर रूट लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग मैथ्स में कैसे स्क्वेयर रूट लिखते हैं, उसका एक सिंबल होता है, ठीक है। आपने उस तरह इसको पेपर के ऊपर लिखना है कि स्क्वेयर रूट है 1 + v / c का, इस तरह ये सारा। अब मैथ क्या है, मैथ को भी हम डिटेल से देखेंगे। मैथ एक ऑलरेडी बिल्ट इन क्लास है, जैसे आप लोग क्लासेस क्रिएट करते हो ना अपने प्रोग्राम में, ये एक पहले से बनी हुई क्लास है, ठीक है। उसका एक मेथड है SQRT, ये स्क्वेयर रूट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसको हम जब भी लिखेंगे तो ये हमें उस नंबर का स्क्वेयर रूट निकाल कर दे देगा, ठीक है। तो आपने इसको कन्वर्ट करना है मैथमेटिकल नोटेशन में, पेपर के ऊपर लिखना है, ठीक है। मैं आप लोगों को एक या दो एक्सप्रेशंस को लिख के दिखा दूंगी, और आप लोगों ने बाकी को खुद करना है ताकि आप लोगों की खुद भी प्रैक्टिस हो जाए। अच्छा जी, पहले हम मैथ डॉट SQRT 1 + v / c, फिर हम मैथ डॉट SQRT 1 - v / c -1, ठीक है। और ये दरमियान में क्या है, डिवीजन का साइन, और m हो रहा है मल्टीप्लाई। अब मैंने यहाँ पे ये देखी, उसको लिखा हुआ है पेपर पर जैसे लिखते हैं मैथमेटिकल नोटेशन में, वैसे लिखा हुआ है। पहले m है, m मल्टीप्लाई हो रहा है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, स्क्वेयर रूट से, ठीक है। किसके स्क्वेयर रूट से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 + v/c के स्क्वेयर रूट से। ये ब्रैकेट यहाँ से लेके यहाँ तक क्लोज हो रही थी, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, ब्रैकेट यहाँ से लेके वहाँ एंड तक क्लोज हो रही थी। और ये स्मॉल ब्रैकेट्स क्या बता रही हैं, कि ये सारा कुछ इसका हमने स्क्वेयर लेना है, ठीक है। 1 + v/c का स्क्वेयर है, तो इसलिए उनके अराउंड ब्रैकेट्स हैं। इसी तरह नीचे भी 1 - v/c का स्क्वेयर रूट है, तो उसके अराउंड ब्रैकेट्स हैं, तो उसका होल स्क्वेयर रूट हो जाएगा, और एंड पे -1 इनसे बाहर, ठीक है। कुछ समझ आप लोगों को लगी होगी ज़रूर। 1 + v/c का स्क्वेयर रूट है, मैथ डॉट SQRT लिखा हुआ है, इसलिए आप लोग इसको अपने मैथमेटिकल स्क्वेयर रूट के अंदर लिख लेना है। डिवीजन को भी वैसा लिखना है, और ब्रैकेट्स का खास ख्याल रखना है। उसके बाद है वॉल्यूम इज इक्वल टू मैथ डॉट पाई। ये पाई आप लोगों ने यकीनन, आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने पाई का तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो उसको हम जब भी यूज़ करेंगे हम मैथ डॉट पाई लिखेंगे। उसके बाद आर मल्टीप्लाई बाय आर है, तो इसको हम आर स्क्वेयर भी कह सकते हैं, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई बाय एच है, सिंपल सी ये एक्सप्रेशन है। मैथ डॉट पाई को हम सिंपल पाई लिख लेंगे, पाई उसके बाद आर का स्क्वेयर है, और फिर एच है, तो पाई आर स्क्वेयर एच, ठीक है। ये पाई हो गया, आर स्क्वेयर, और ये एच। उसके बाद है 4 पाई, फिर मैथ डॉट पावर। पावर क्या कहता है, इसमें दो चीज़ें होती हैं। पहली तो चीज़ ये होती है कि किस चीज़ की पावर लेनी है, और जो दूसरी चीज़ होगी वो उसकी पावर होगी। जैसे यहाँ पे आर और 3 है, तो इसका मतलब है कि आर की पावर 3 है, ठीक है। आर नीचे है और 3 क्या है, उसकी पावर है, तो इसलिए यहाँ पे 4 वैसे, पाई भी वैसे आ गया, और आर की पावर 3 आ गया, ठीक है। इसको हमने जावा में लिखा था मैथ डॉट पावर, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे आर का क्यूब। ऐसे ही नेक्स्ट है मैथ डॉट स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर एंड वाई स्क्वेयर। जावा में एक्स स्क्वेयर कैसे लिखते हैं, x·x, और वैसे मैथ्स में कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर है, और इन दोनों को मिला के ब्रैकेट, इन दोनों के अराउंड ब्रैकेट है, और सब का स्क्वेयर रूट है, ठीक है। तो इस सारे के ऊपर स्क्वेयर रूट आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगले टास्क को। टास्क नंबर 2 क्या कह रहा है, कन्वर्जन इनटू करेक्ट जावा। अब उसने मैथ में बता दिया हमें, ठीक है। अब मैथ्स में मैथमेटिकल नोटेशन है, लेकिन इसको कन्वर्ट करना है जावा की एक्सप्रेशंस में। अब इसको जावा में कैसे लिखेंगे, जैसे ऊपर लिखी हुई थी, ठीक है। मैं आप लोगों को एक आध लिख के दिखाती हूँ, नोटपैड ओपन कर लेते हैं। ये नोटपैड ओपन कर लिया, इसको एडजस्ट कर लेते हैं पहले, ठीक है। इसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि नज़र आ जाए सबको, यहाँ से 22, ठीक है। ओके जी, अब ये लिखा हुआ है एक्सप्रेशन क्या है, s इज इक्वल टू s नॉट या s0, वट एवर यू कैन से, प्लस v0 t,
प्लस वन बाय टू। हाँ जी, अब ये टी है तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है। मैथ्स में हम लोग वैसे साथ लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमें जवाब में बताना पड़ेगा कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उसके बाद वन बाई टू है तो वन बाई टू दोनों डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए उनके अराउंड ब्रैकेट लगाएंगे। दोनों डिवाइड होने के बाद मल्टीप्लाई हो रहे हैं जी और टी से, ठीक है। तो वन बाई टू मल्टीप्लाई जी मल्टीप्लाई टी मल्टीप्लाई टी, टी स्क्वायर था इसलिए टी को दो दफ़ा मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये आप लोगों को क्लियर हो गया, बड़ा ही आसान सा है। टी स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैथ डॉट पावर और टी की पावर टू, टी कॉमा टू। इसका मतलब क्या है, वही कि टी की पावर टू है, टी का स्क्वायर है, या इसको हम सिंपल टी इंटू टी भी लिख सकते थे जैसे पहले लिखा था। ये हो गया क्लियर। अब देख लेते हैं एक और, इसको ही देख लेते हैं। ये जो वेरिएबल्स, ये आप लोग इनको वेरिएबल्स कंसीडर करके इनके अंदर कोई वैल्यूज असाइन करके इनको इनका आंसर निकाल के देख सकते हैं कि आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। जैसे पी वी है, एफ वी है या एस नॉट है, ये सब वेरिएबल्स हैं, ठीक है। ये आप डिक्लेयर करें, आप खुद डिक्लेयर करें, खुद इनिशियलाइज करें, ये सब आप लोग कर सकते हैं। मैं आप लोगों को सिर्फ कन्वर्जन बता रही हूँ कैसे कन्वर्ट करना है इसको मैथ्स में। आप लोगों ने जब ये सबमिट करवाने हैं तो क्या करना है, इनका इनके प्रॉपर वेरिएबल डिक्लेयर करके इनके अंदर वैल्यूज असाइन करके फिर ये फार्मूला लिख के फिर इसका आंसर को प्रिंट करना है, ठीक है। अभी ये देख लेते हैं, वन प्लस आई एन टी डिवाइड बाई हंड्रेड था, इसका सारे का पावर था वाई आर स्क्वायर, तो इस सारे को हमने पावर के मेथड के अंदर लिखा ब्रैकेट के अंदर और एंड पे पावर लिखी वाई आर एस कॉमा लगाने के बाद। जैसे ऊपर हमने लिखी थी ना टी का स्क्वायर था, तो यहाँ पे भी हमने ये सारी चीज़ और इसका क्या वाई आर स्क्वायर की पावर, जैसे यहाँ पे टी की पावर टू, यहाँ पे इस सारे की पावर वाई आर एस या ईयर्स कह लें हम। ये बाकी दो आप लोग देखिएगा, बड़े आसान से हैं, स्क्वायर क्यूब या ये हैं। एक देख लेते हैं जी इज इक्वल टू फोर, अब पाई स्क्वायर है, पाई का स्क्वायर है, तो पहले पाई देखते हैं, पाई कैसे लिखते हैं, मैथ डॉट पाई लिखते हैं, उसका स्क्वायर लेना है, स्क्वायर लेना है तो मैथ डॉट पावर का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, जैसे हमने ऊपर किया, पहले लिखेंगे मैथ डॉट पावर, उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर जिसका स्क्वायर लेना है, स्क्वायर किसका लेना है पाई का, और कितना स्क्वायर पावर लेनी है, कितनी पावर लेनी है, टू लेनी है, तो मैथ डॉट पाई पावर टू। ये हो गया पावर के मेथड के अंदर मैथ डॉट पाई की पावर टू, यानी कि पाई स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई हो रहा है ए क्यूब से, तो ये भी हम पावर में लिखेंगे मैथ डॉट पावर किसका क्यूब, ए का, ए कॉमा थ्री, ए का क्यूब। उसके बाद डिवाइड करना है, डिवाइड करेंगे इस सारे को, डिवीजन के नीचे आना चाहिए, तो इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। अगर हम ब्रैकेट्स नहीं लिखते या आगे पी लिख देते हैं तो वो सिर्फ पी डिवीजन के नीचे आएगा, बाकी सब कुछ फिर ऊपर चला जाएगा, तो हमें सारा कुछ ब्रैकेट्स के अंदर लिखना पड़ेगा। पी स्क्वायर पी इंटू पी, एम वन प्लस एम टू, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं पी स्क्वायर से, तो ये इस तरह हो गया। यहाँ पे जो मैं ब्रैकेट्स की बात कर रही थी, यहाँ पे वो आती हैं ये, ठीक है। इस ब्रैकेट से ये डिफाइन हो जाएगा कि ये डिवीजन के नीचे आ रहा है, और ऊपर भी हमने ब्रैकेट्स लगाई हैं, तो इसका मतलब था कि पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है पाई स्क्वायर से, फोर पाई स्क्वायर से, तो ये सारा डिवीजन के नीचे और फिर इस ब्रैकेट से लेकर इस ब्रैकेट तक मल्टीप्लिकेशन में। उसके बाद सी इज इक्वल टू, अब मैथ का डॉट स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट सारे नंबर्स का है, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे सबको, ब्रैकेट लगाई। उसके बाद ए स्क्वायर है तो ए इंटू ए लिख लेते हैं सिंपल, प्लस बी स्क्वायर है तो बी इंटू बी लिख लेते हैं, माइनस टू मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय कॉस गैमा। अब कॉस भी लेने का मैथ्स में मेथड है एक, मैथ डॉट कॉस, ठीक है। उसके अंदर वैल्यू जो भी अपनी पास करनी है, ये लैम्डा है या जो भी है, इसको हमने उसके अंदर पास कर दिया, ये वेरिएबल होगा कोई, इसकी वैल्यू होगी कोई, तो इसका कॉस लेके हमें रिटर्न कर देगा, इसके अंदर वैल्यू उसके पुट कर देगा।
तो उसको सिंपल एल लिख लेते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इन सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है, उनकी वैल्यूज अंदर प्लेस करनी है, इनिशलाइज करना है उनको, उसके बाद उनको एक्सप्रेशन को लिख के वहाँ पे, और उनको प्रिंट भी करना है, और फिर आपने सबमिट करवाना है ये काम।